हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर मुकेश मौर्या। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, मिनरल्स न्यूट्रिशन। मिनरल्स जो है प्लांट और एनिमल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है, देख लेते कैसे इंपॉर्टेंट है। मिनरल जो होता है प्लांट में, अगर हम लोग देखेंगे, जैसे कि अगर फोटोलाइसिस बोलते हैं, तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, वहाँ पर भी मिनरल का बहुत बड़ा रोल है। वहाँ पर मैग्नीशियम हो गया, क्लोरीन हो गया, बहुत बड़ा उनका रोल है। प्लस अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी में देखेंगे, जो मसल का कॉन्ट्रेक्शन होता है, वहाँ पे भी मिनरल का बहुत बड़ा रोल है। वहाँ पे कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। प्लस अगर हम लोग कोई भी सोल्यूशन का फ्लो देखेंगे, तो भी क्या होता है, जहाँ पे मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है उसी साइड क्या होता है सोल्यूशन का फ्लो होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मिनरल प्लांट और एनिमल के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं कि मिनरल जो है प्लांट में किस तरह से यूजफुल है और क्या क्या काम करता है, उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्राइटेरिया फॉर इसेंशियलिटी। मिनरल अगर इसेंशियल है तो उसका क्राइटेरिया क्या क्या है हम लोग देखेंगे। तो उसके तीन क्राइटेरिया बताए गए, हम लोग डिस्कस करते हैं अभी। एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले क्या बोल रहा है कि वो क्या होना चाहिए, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में हेल्प करना चाहिए, उसमें बहुत बड़ा उसका पार्ट होना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा क्या बोल रहा है, रिक्वायरमेंट ऑफ एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेस बाय अदर। मींस क्या, जो भी एलिमेंट होगा वो क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए और कोई और उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, वहां पे हम लोग देखते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीज का बहुत बड़ा रोल है, तो वो कोई और रिप्लेस नहीं कर सकता है। ठीक है, सेम अगर हम लोग देखेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो होता है प्लांट के अंदर, वहां पे पोटेशियम का बहुत बड़ा रोल होता है। पोटेशियम का बहुत बड़ा क्या होता है, वहां पे रोल होता है, तो ये और कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, सिर्फ पोटेशियम का ही हेल्प से वो ओपन होगा या फिर क्लोज होगा। ठीक है, एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट। फिर से बहुत सारा जो रिएक्शन होता है प्लांट में, ठीक है, जैसे हम लोग क्रेब साइकिल देख रहे हैं या फिर ग्लाइकोलाइसिस देखते हैं, वहां पे बहुत सारे जो मिनरल्स हैं, जो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, वहां पे यूज होते हैं रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो वहां पे भी क्या होता है, उसका यूज होता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट। ठीक है, मेटाबॉलिज्म मींस एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। अभी इसमें देखते हैं जो एलिमेंट है वो दो पार्ट में क्लासिफाई हुआ है, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मींस क्या होता है, जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, नाम से समझ में आता है। मैक्रो मींस क्या होता है, जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है। माइक्रो मींस क्या होता है, जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ठीक है, मैक्रो मींस जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है, माइक्रो मींस जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं हम लोग। सपोज करते हैं अभी एक प्लांट का एक ड्राई मास है। ठीक है, सपोज करते हैं हम लोग काजू, आप लोगों को पता है नट्स। ठीक है, नट्स का हम लोग एक 1 ग्राम नट्स लेते हैं। क्या लेते हैं, 1 ग्राम उसका एक पोर्शन लेते हैं। ठीक है, ड्राई मास। ठीक है, अगर 1 ग्राम में, ठीक है, 1 ग्राम में अगर 1 से लेके 10 mg जो भी मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और जो 0.01 माइक्रोग्राम प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। समझ में आ गया आपको। प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू इन लार्ज कॉन्सेंट्रेशन 1 to 10 mg/g, मीन्स 1 ग्राम में क्या होगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 1 to 10 ग्राम। सेम दूसरी तरफ देखेंगे तो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कितना होता है, 0.1 mg/g। ठीक है, तो अगर कोई मैं प्लांट, कोई भी प्लांट का एक टिश्यू ले लूँ या फिर प्लांट का कोई भी एक पोर्शन ले लूँ जो कि 1 ग्राम हो, ठीक है, उसमें अगर मैं देखूंगा तो 1 से लेके 10 mg क्या होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। 0.1 mg क्या होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, ये सब क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो इसे अगर हम लोग देखेंगे तो जो भी होता है, सेल वॉल हो गया, सब चीज किससे बना होता है, कार्बन से बना होता है, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से बना होता है, नाइट्रोजन से बना होता है, इसलिए इनका क्वांटिटी ज्यादा होता है। ठीक है, तो उसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक देना चाहता हूं आपको, तो हम लोग देख लेते हैं। CHON, चौन पी के से कार मांगे। फिर से
चौन CHON चौन पीके से कार मांगे, इससे हम लोग याद रखेंगे क्या है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, दूसरी साइड देख लेते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है, एफी मीन्स आयरन, मैग्नीज, कॉपर। एक चीज यहाँ पे हम लोग देखने वाली बात है कि ये दोनों कंफ्यूज कर सकते हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम है, यहाँ पे मैग्नीज है। ठीक है, एफी मैग्नीज कॉपर मोलिब्डेनम जिंक बोरॉन क्लोरीन निकल। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे इसको हम लोग याद रखेंगे। फिर मैं क्यों मोहब्बत जिंदाबाद बोल के निकलूं। ठीक है, फिर मैं क्यों, ठीक है, मोहब्बत जिंदाबाद बोल के निकलूं, बोल के निकलूं। ठीक है, इससे हम लोग इसको अच्छे से याद कर सकते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हम लोग। मैक्रो न्यूट्रिएंट जो होता है 10 मिली मिली मोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर होता है, उससे ज्यादा होता है। ठीक है, 10 मिली मोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर से ज्यादा होता है, और ये 10 मिली मोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर से कम होता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अभी जो एलिमेंट है वो एलिमेंट दो पार्ट में क्लासिफाई हुए हैं, एक होता है इसेंशियल मतलब एकदम जरूरी है प्लांट के ग्रोथ के लिए, दूसरा होता है बेनिफिशियल। दूसरा क्या है, बेनिफिशियल। ठीक है, तो इसेंशियल कौन कौन सा था वो 17 हम लोग ने देखा, कौन कौन सा था, 9 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लस 9 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लस 8 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जो जिसमें हम लोग ने ऊपर रीड किया। ठीक है, ये क्या है, इसेंशियल एलिमेंट्स थे। ठीक है, और बेनिफिशियल क्या है, बेनिफिशियल है कोबाल्ट सिलिकॉन सेलेनियम और सोडियम। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे ध्यान में रखेंगे, ना नास्को, कैसे ध्यान में रखेंगे इसको हम लोग, नास्को। ठीक है, एन ए से सोडियम, दो बार एस मीन्स सिलिकॉन और सेलेनियम और कोबाल्ट, सीओ से कोबाल्ट। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे ध्यान में रखेंगे, नास्को। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं जो एसेंशियल एलिमेंट है उसको लोगों ने फिर से क्लासिफाई किया है। एक होता है स्ट्रक्चरल एलिमेंट। ठीक है, मतलब ऐसा एलिमेंट जो प्लांट के स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में पार्ट लेता है। तो कौन कौन से एलिमेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ठीक है, तो ये चार क्या है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट है। तो नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे नीट में क्वेश्चन आता है कि स्ट्रक्चरल एलिमेंट कौन से है, तो हम लोग से पूछा जाएगा तो हम लोग आराम से बता सकते हैं क्या है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। ठीक है, दूसरा है एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स। ठीक है, जो एनर्जी मतलब प्लांट में जो भी एनर्जी है उसमें पार्ट लेता है, तो इसमें एक है मैग्नीज है, मैग्नीशियम है इन क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल के कोर में होता है। दूसरा फॉस्फोरस है जो एटीपी में होता है, और एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी है। ठीक है, एनर्जी करेंसी है। ठीक है, तो एटीपी में होता है, हम लोगों को मालूम है फॉस्फोरस एटीपी में होता है और मैग्नीज क्लोरोफिल में होता है, तो ये क्या है, एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड है। ठीक है, दूसरा है एक्टिवेट और इनिबेट एंजाइम। कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट है जो क्या करते हैं, एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं या फिर उनको इनिबिट करते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं, एक है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या करता है, एक्टिवेट फॉर बोथ RuBP कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस एंड PEP कार्बोक्सिलेस। ये हम लोग को फोटोसिंथेसिस में देखने को मिलेगा, जो क्या करता है RuBP कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस और PEP कार्बोक्सिलेस को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। क्या करता है, एक्टिवेट करता है। फिर दूसरा है जिंक। दूसरा क्या है, जिंक, जो क्या करता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। क्या करता है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस को एक्टिवेट करता है। तीसरा है मोलिब्डेनम, जो क्या करता है नाइट्रोजिनेस और नाइट्रेट रिडक्टेस को क्या करता है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, उनको क्या करता है, एक्टिवेट करता है। नाइट्रोजिनेस और नाइट्रेट रिडक्टेस, ये दो एंजाइम है, इसको क्या करता है, एक्टिवेट करता है कहां पे, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, नाम में क्या है, एंजाइम को जो एक्टिवेट करता है। ठीक है, सब क्या है, एंजाइम है। ठीक है, फिर आता है मैग्नीज, ये क्या करता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में हेल्प करता है। किसमें करता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में। फिर आता है निकल। निकल मींस क्या, जो कहां पे काम करता है, यूरियस एंजाइम को एक्टिवेट करता है। क्या करता है, यूरियस एंजाइम को एक्टिवेट करता है। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं अल्टर ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ सेल। कुछ कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, सेल का जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो इसका एक एग्जांपल दिया है पोटेशियम। क्या है, पोटेशियम, जो क्या करता है, जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा के कॉन्सेंट्रेट, स्टोमेटा में
पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन होता है, जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन होता है और क्लोज होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को लेक्चर समझ में आ गया है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्लस हमारा जो बुक है मौर्य सिनॉप्सिस ऑफ बायोलॉजी, ये जो भी कंटेंट है हम लोग मौर्य सिनॉप्सिस ऑफ बायोलॉजी से लिए हैं। ये बुक अमेजोन पे अवेलेबल है, इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो बुक कैसा दिखता है। ये अगर आपको देखना है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि बुक के अंदर कैसे कंटेंट है। प्लस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो भी मैंने टेबल बताया सब इस बुक से ही मैंने लिया हुआ है, ठीक है। और इसमें 235 पेजेस में पूरा 11th और 12th का जो NCERT पोर्शन है पूरा फिनिश हो गया है, ठीक है। इसमें हम लोग ने की पॉइंट मेंशन किया जो कि नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2019 में टोटल 87 क्वेश्चन हमारे बुक से कवर हुआ था, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीबॉडी, आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया।